ओम शांति। अपने आप को मस्तक के बीच में एक लाइट के रूप में देखिए। मैं आत्मा, एक चैतन्य शक्ति, इस शरीर के मालिक, सर्व कर्म इंद्रियों को चलाने वाली, मस्तक में विराजमान हूं। अपने स्वरूप को स्पष्टता से देखें। मैं आत्मा, सच्ची रहम दिल हूं। मैं आत्मा, रहम के सागर की संतान हूं। मेरे दिल में हर एक आत्मा के लिए रहम समाया हुआ है। अपने आप को इस शरीर से डिटैच कीजिए, मस्तक में से मैं आत्मा बाहर आई और अब ऊपर की ओर उड़ रही हूं। देखें स्वयं को आकाश मंडल में से उड़ता हुआ ऊपर की ओर जाते हुए। मैं आत्मा उड़ते उड़ते अति दूर जा पहुंची अपने वास्तविक घर शांति धाम में। यहां पर चारों ओर शांति ही शांति बिखरी हुई है। मैं इस स्थान की शांति को स्वयं के अंदर भरती जा रही हूं। सामने है शांति के सागर, सुख के सागर, रहम के सागर, मेरे पिता शिव बाबा। देखिए, निहारिए शिव बाबा को।
मैं आत्मा श्री बाबा को निहारते निहारते जैसे बाबा के प्यार में समा गई हूं। मीठे बाबा, आपने मुझे कितना शांत और कितना रहम दिल बना दिया। जबकि सारा संसार दुख की अग्नि में, अशांति की अग्नि में, समस्या की अग्नि में जल रहा है, आपने मुझे गोद लेकर मुझे बहुत शांत और सुखद बना दिया है। मीठे बाबा, मैं आत्मा तो शांति के सागर के कंठे पर आ गई हूं, सागर में समा चुकी हूं। अतीन्द्रिय सुख में झूम रही हूं। आपके इतना समीप आकर मैं स्वयं को सुख, शांति, प्रेम, आनंद से भरपूर अनुभव कर रही हूं। अब मैं आत्मा और मेरे पिता शिव बाबा शांति के सागर, सुख के सागर, सर्वशक्तियां सारे संसार को शक्तिशाली किरणों के द्वारा पहुंचा रहे हैं। महसूस कीजिए। परम धाम से शक्तिशाली किरणें समस्त संसार में फैल रही हैं। ये सर्वशक्तियों की किरणें एक एक आत्मा के जहन में समा रही है। सारे संसार का वायुमंडल बहुत शक्तिशाली बन गया।
पूरा वाइब्रेशन ही चेंज हो गया। बहुत शांति और शक्तिशाली वायुमंडल बन गया है। यही शक्तिशाली किरणें पांचों तत्वों को भी शीतल और शांत कर रही है। शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, आप कितने रहम के सागर हो। आपका पद्मा पद्म गुना शुक्रिया है। अब मैं आत्मा वापिस साकार देह में आ जाती हूँ। ओम शांति।